हेलो हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। अदनान साहब बात कर रहे हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? जी अबू अरकम रजीक। बोलिए। है वो सुन सर। जी जी अदनान साहब बात कर रहे हैं ना, किशन अदनान तक। बोल रहा हूँ। जी जी आपसे पूछना ये था मुझे कि हाँ शिरके खफी को अगर कोई शिरके जली कह दे तो उस पर शरण का क्या हुक्म नाफिज होगा? आप यूट्यूब मास्टर साहब अबू अरकम साहब वही हैं क्या? जो पूछा उसका जवाब देना आप। आप यूट्यूब मास्टर साहब अबू अरकम साहब वही हैं, पर मुझे ये तो बताएं। अबू अरकम रजवी बोल रहा हूँ, जिसके यूट्यूब पर ऑडियो अपलोड होती। अब बोलिए। हाँ, वही मतलब फोन वगैरह करके झूठी शोहरतें हासिल करने के लिए जी नहीं, झूठी शोहरतें नहीं हासिल करते। हमारे ऐसे, अरे भाई मोहतरम, जानता हूँ मैं, अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ भी हूँ आपसे। आपकी आदतों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आप उन्ही में से हैं जो हमारे ऐसे लोगों को फोन करते हैं जो शाइस्ता मिजाज हो, शिक्षा व शाइस्ता मिजाज लोगों को आप फोन करके आप उनकी ऑडियो को क्या नाम जो है यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। ठीक है, आप वही हैं, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। लिहाजा आपकी मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप इस बात की तरफ आ रहे हैं, हमें लग रहा है सर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको, आपकी सांस फूल रही है मुझे लग रहा है। आपको लगेगा ना, मुझे पता है आपको लगेगा। मैं मुझे क्यों लग रहे हैं आप? अच्छा हाँ सुनिए, मैं वजू कर रहा हूँ। दरअसल मैं वजू कर रहा हूँ, नमाज के लिए वजू कर रहा हूँ मैं। 10 मिनट बाकी है। हाँ, वो तो मुझे पता है, सवाल समझ गए ना। अगर तुमने जवाब दिया तो फिर क्या होगा इस्माइल तहलवी साहब का? अरे समझता हूँ, तुम कहाँ से बोल रहे हो मियाँ? अब आप मियाँ मिठू मत बनो अपने मुँह से। नहीं नहीं, आपको इतना ही शौक चढ़ा है ना, ठीक है। आपको इतना ही शौक चढ़ा है अगर किसी किसी के टॉपिक पे बात करने का, गुफ्तगु करने का, अभी तो ग्रुप में आए और मुकम्मल गुफ्तगु करें, ठीक है, मुकम्मल गुफ्तगु करें। इस तरह की हरकत, शिरके खफी और शिरके जली लिखना, वो सारी बातें आप जो है वहाँ रख सकते हैं। समझ गए, मेरे पास आए। अब तुम जानते हो कि अगर तुमने जवाब दिया तो फिर बच नहीं पाएंगे ना। अरे मोहतरम अबू अरकम साहब, हम आपकी चाल से नावाकिफ नहीं है, समझते हैं हम भी। आप क्या बताएंगे हमें, क्या हम समझ गए? हम भी आपके सवाल से पहले हम भी समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं जवाब दूंगा या नहीं दूंगा, इस बात को आप उधर रखिए। मेरे नमाज का वक्त हो गया। आप जैसे फजूल लोगों से और इस तरह से जो है मुझे झूठी शोहरतें हासिल करने का कोई शौक नहीं चढ़ा है जो मैं यूट्यूब पर डालू, इसको रिकॉर्ड करूँ, रिकॉर्ड भी नहीं करता हूँ। और मुझ पर जो है ना इल्जाम लगा कर जो है ना, अब इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, अच्छी तरह से बात है। मोहतरम क्योंकि इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि शिरके खफी को शिरके जली लिखा किसने? अरे मोहतरम इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, इस्माइल तहलवी को। आप एक एतराज पेश करेंगे ना, मैं 100 एतराज उस तरह का पेश कर सकता हूँ। आप इस बात से घबराएं नहीं, आप एक एतराज पेश करेंगे। और मैंने दूसरी बात, वन्यों को देखा है कि जैसे सवाल करो ना, चलिए लगता है कि उल्टी बुखार हो गया है। अच्छा अच्छा खैर कोई बात नहीं, आप भले ही अपने मियां मिट्ठू बने, कोई हमें उससे एतराज नहीं है। जनाब आपको जवाब देना या नहीं देना, इतना हाँ या ना में जवाब देना। चलिए ठीक है, मेरा नमाज का वक्त हो गया। आप जैसे शेड्यूल लोगों से बात करने का मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे पता है यार, जवाब नहीं दोगे, जवाब दोगे तो पता है ना क्या होगा आपके मौलवी का। चलो अच्छा।